हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए समझते हैं जावा में डेटा टाइप्स के बारे में। तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की पहले बात करेंगे और उन पर आधारित एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो चलिए ब्लूजे को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ब्लूजे स्टार्ट हो चुका है, अब आपको प्रोजेक्ट पे जाना है और यहां से आप न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। तो जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो जो आप इस बात का ख्याल रखें कि जो आप क्लास का नाम दे रहे हैं वो क्लास का नाम ही आपके प्रोजेक्ट का नाम भी होना चाहिए। तो यहां से मैं यहाँ पे माई क्लास इसको अगर नाम दे देता हूं तो मुझे क्लास का नाम भी यही रखना होगा, ठीक है। तो माई क्लास डॉट जावा, डॉट जावा लगाना जरूरी है क्योंकि ये जावा के फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो यहाँ माई क्लास डॉट जावा लगा लिया हमने। अब यहां से न्यू क्लास पे हम क्लिक करेंगे और इसी के नाम से, माई क्लास के ही नाम से मैं एक क्लास बना लेता हूँ, माई क्लास, ओके। और यहां से ओके प्रेस करेंगे तो ये हमारा क्लास बन गया। और यहां पर एडिटर को मैं ये देख सकते हैं, आप एडिटर ओपन हो चुका है। अब इस पे हमें कोडिंग करनी है तो बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप। सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे हम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक क्लास बनाएंगे पहले। तो पब्लिक क्लास, ठीक है, और क्लास किस नाम से होगा, माई क्लास के नाम से। तो यहां लिखा मैंने माई क्लास, ओके। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हमें लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो यहां लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और यहां पर आर्गुमेंट पास करवाएंगे हम, ठीक है। तो यहां पे आर्गुमेंट पास करवाता हूं स्ट्रिंग, एआरजीएस, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, ओके। अब यहां पर नीचे आएंगे तो कर्ली ब्रैकेट लगा करके यहां से आगे की कोडिंग हमें करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कोडिंग करना। और सबसे पहले हम इंट डेटा टाइप की बात करेंगे। तो इंट डेटा टाइप पर आधारित एक प्रोग्राम हम लिखेंगे। आपको पता है कि इसकी रेंज क्या होती है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं ए, और इज इक्वल टू कर लेता हूं 5, क्योंकि इंटीजर क्या करता है, इंटीजर जो डेटा टाइप है वो किस टाइप की वैल्यू होल्ड करता है ये पता करना है हमें, और फिर फ्लोट किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा वो पता करना है। तो फ्लोट के लिए हम बी एक वेरिएबल बना लेते हैं और डेटा टाइप हमारा क्या है, फ्लोट है। और यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करा लेता हूँ 5.78 या ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ लिख लेता हूँ एफ लास्ट में ताकि पता चले कि ये फ्लोट है। इसके बाद फिर एक कैर डेटा टाइप हम लेंगे और यहाँ कैर ले लिया हमने। और कैर डेटा टाइप लेने के बाद यहाँ सी नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने और सी इज इक्वल टू सिंगल डॉटेड कॉमा में हम यहाँ पे डी लिख देते हैं ताकि ये पता चलता रहे कि ये कैर डेटा टाइप है, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे और यहाँ पर अब बुलियन डेटा टाइप की बात करेंगे। चूंकि जावा में ये डेटा टाइप, चूंकि पुरानी जो लैंग्वेजेस हैं उनसे नया है तो इसको अच्छे से समझना होगा। इसमें दो वैल्यूज होल्ड हो सकती हैं, या तो ट्रू की या तो फॉल्स की वैल्यू होल्ड हो सकती है। मैं यहाँ पे ट्रू रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ट्रू रख दिया मैंने और यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे इसको। अब फिर स्ट्रिंग यहाँ पर जो है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ स्ट्रिंग लिखा मैंने और स्ट्रिंग में क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग में ले लेंगे एफ, ठीक है। यहाँ एफ ले लिया हमने और एफ लेने के बाद और एफ भी ले सकते हैं, तो यहाँ जी ले लिया है। और यहाँ पर स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो यहाँ पे आप यहाँ नेम भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सेट ऑफ कैरेक्टर है ये, तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये प्रिंट करके हमें दे देगा। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, अब इसको प्रिंट करवाना है हमें, ठीक है। तो प्रिंट करवाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं लिखते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। और इसमें हमें a की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो यहाँ a लिख दिया हमने सिंपली, इनवर्टेड कॉमा न भी लगाएं तो भी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसी चीज को लिखना है तो मैं एक काम करता हूँ इसी को कॉपी, यहाँ पर जो है b है तो ये b लिख दिया हमने, और यहाँ पे c है तो ये c लिख देंगे हम, और ये d तो हमने कहीं लिखा ही नहीं तो यहाँ पे e, ठीक है। और इसके बाद
अब इसको करना है क्लोज, कर्ली ब्रैकेट जो ओपन किए थे हमने, अब ये प्रोग्राम हमारा बन करके तैयार है, ठीक है। इसको कंपाइल करवाते हैं, तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, और अब इसको रन करवाने की बारी है, तो यहाँ से मैं करवा लेता हूँ इसको रन, राइट क्लिक करिए और यहाँ से रन करवाइए। ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया और आप देख सकते हैं कि जो जो वैल्यूज हमने दी थी वो प्रिंट होकर आ